आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त केक की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि जो हमारा केक है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये केक जितना खूबसूरत लग रहा है उसका टेस्ट भी उतना ही अल्टीमेट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल से हैं। ना तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है मैदा, ना ही एग, ना ही दही, ना ही कंडेंस मिल्क। बहुत सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी देखते हैं। एप्पल केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको दालचीनी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर आप दालचीनी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है नटमेग यानी कि जायफल बिल्कुल चुटकी भर। दालचीनी और जायफल का जो फ्लेवर रहता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए इसे थोड़ा ही डालें। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 मीडियम साइज का एप्पल, जिसे मैंने मीडियम साइज में ही कट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने ग्रेनी स्मिथ एप्पल यूज किया है। ग्रेनी स्मिथ का जो टेस्ट रहता है वो थोड़ा सा टैंगी रहता है, तो स्वीट और टैंगी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अल्टीमेट लगता है इस केक में, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेनी स्मिथ एप्पल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो कोई सा भी एप्पल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ में ही एप्पल को चॉप किया हुआ है। मीडियम साइज़ की जगह आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कभी भी इसकी प्यूरी या फिर ग्रेट करके बिल्कुल भी ना डालें। जब हम केक खाते हैं और उसमें एप्पल के चंक्स आते हैं तो बहुत ही अल्टीमेट लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने मीडियम साइज में चॉप किया है। सारी चीजों को आप एक बार हल्के हाथों से मिला लें। अब डालना है हमें चीनी, तो यहाँ पे चीनी मैं 1/2 कप ले रही हूँ और यहाँ पे मैं पीसी हुई चीनी नहीं ले रही हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है तेल, तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल यूज कर रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि वो अनफ्लेवर वाला ऑयल होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं रहना चाहिए। सारी चीजों को एक बार आप फिर मिला ले, तो मिलाने के बाद आपको दिखेगा जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल ड्राई सा लग रहा है। तब हमें यहाँ पे डालना है पानी। पानी को आप धीरे धीरे ही इसमें ऐड करें, तो यहाँ पे मैं लगभग 5 से 6 चम्मच ही पानी डाल रही हूँ। आप भी चम्मच से ही पानी डालें और आपको मिलाने के बाद ऐसा दिखेगा कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल ठीक सा लगेगा। जो हमारा एप्पल केक का बैटर रहता है वो थोड़ा सा गाढ़ा यानी कि थिक रहता ही है। आप सोच रहे होंगे कि मोस्टली हर केक का जो बैटर रहता है वो तो रिबन कंसिस्टेंसी वाला रहता है, लेकिन इस केक का बैटर बिल्कुल ड्राई सा और थिक सा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने डाला हुआ है एप्पल चंक्स। एप्पल में बहुत सारा मॉइस्चर रहता है और जब ये बेक होगा तो एप्पल अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा, जिससे हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट बनेगा। इसलिए ज्यादा पानी गलती से भी ना डालें। अगर आपने गलती से ज्यादा पानी डाल दिया तो आपका केक बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। पानी की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कम या ज्यादा कर सकते हैं, सिर्फ 1 से 2 चम्मच, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि हर ब्रांड का जो गेहूं का आटा रहता है उसका टेक्सचर अलग अलग रहता है, इसलिए मैंने आपको ये कहा। अब बातों ही बातों में मैंने यहाँ पे डाल दिया है वॉलनट्स। ये भी टोटली ऑप्शनल है, लेकिन एप्पल केक में जब भी वॉलनट्स के चंक्स आते हैं तो बहुत ही ऑसम लगता है, और ऊपर से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और भी बढ़ जाती है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो उसे फ्रूट्स भी मिल रहा है, नट्स भी मिल रहे हैं और ग्रेन भी मिल रहा है, तो बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। फिर लास्ट में हमें यहाँ पे डालना है थोड़ा सा लेमन जूस, सोडा को एक्टिवेट करने के लिए, और फ्लेवर देने के लिए वनीला एसेंस। सारी चीजों को आप मिला ले और आप देख सकते हैं कि कितना आसान है इस एप्पल केक के बैटर को बनाना। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगे हैं, घर पे जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं बिल्कुल बेसिक से वही यूज़ हुए हैं। अब इसे हमें ट्रांसफ़र करना है बेकिंग ट्रे में, तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे को ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ है, तो अब इसे बैटर को मुझे इस पे ट्रांसफ़र करना है। बैटर के टॉप को आप बिल्कुल हल्के हाथों से फ्लैट कर लें। अब इसे बेक करने के लिए आप ओवन पे रख दे, और ओवन को मैंने पहले से प्रीहीट करके रखा था 350 फ़ारेनहाइट में। तो इसे हमें बेक करना है लगभग 40 से 45 मिनट तक, या फिर जब तक हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो जाए। इसे जानने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप टूथपिक, सेट स्टिक या फिर नाइफ के हेल्प से केक के सेंटर में पिक करके देखें। अगर आपका टूथपिक क्लियर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि हमारा केक बेक हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है
वो बेक हो चुका है, अब इसे हम ओवन से निकालते हैं, थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं। और जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तो हम तैयारी कर लेते हैं ग्लेज बनाने की। तो ग्लेज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। सॉस पैन में मैंने डाला हुआ है 2 चम्मच बटर, 1/2 कप लाइट ब्राउन शुगर, और इसे मीडियम हीट पे पकने दे जब तक हमारा शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे हमारा शुगर मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है 3 चम्मच दूध, या फिर अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल होगा तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है क्रीम। तो क्रीम डालने के बाद सिर्फ इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाए। ज़्यादा पका देंगे तो हमारा जो ग्लेज है वो गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमें डालना है वनीला एसेंस, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्लेज है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ग्लॉसी सा लग रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ज़बरदस्त कैरेमल बना हुआ है। तो इसे ठंडा होने देते हैं और हम देखते हैं केक को। केक बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। डीमोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत परफेक्ट टेक्सचर लेके आया है, और हमने जो एप्पल के चंक्स डाले हुए हैं वो बाहर से भी दिख रहे हैं। तो अब हम पोर करते हैं हमारा ग्लेज। जब हम एप्पल केक पर ग्लेज डालते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है और भी एक लेवल ऊपर हो जाता है, बहुत ही इनहेंस होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गार्निश करने के लिए डाल दिए थोड़े से वॉलनट्स, फिर से थोड़ा सा ग्लेज। बस इस तरीके से हमारा बहुत ही जबरदस्त एप्पल केक रेडी हो गया, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट है। और इस सीजन में तो ये केक जरूर बनता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं वैरायटी ऑफ एप्पल। तो आप इस फॉल सीजन में एप्पल केक जरूर बनाएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी एप्पल केक की रेसिपी कैसे बनी और आपने कौन सा एप्पल यूज किया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और मम्मा सुपर किड्स को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर ले। तो चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।